सर्वर रोड पर तहरीक इंसाफ यूथ विंग की कॉर्नर मीटिंग। NA-131 से जिमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हुमायूं अख्तर और जुबैर खान न्याजी की खसूसी शिरकत। इस मौके पर हुमायूं अख्तर का कहना था कि मुस्लिम लीग बनाने वाले भी मेरे बुजुर्ग थे। ख्वाजा साद रफीक एक नंबर और दो नंबर दोनों इलेक्शन लड़ना जानता है, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। इस इलाके में पौधा मैंने उगाया और पक्की पकाई खीर पिछले 10 साल से साद रफीक खाता रहा। साद रफीक एक नंबर की इलेक्शन भी लड़ना जानता है और दो नंबर की भी लड़ना जानता है। इस दफा भी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है उसने, मैंने साद रफीक को वार्न किया कि मुझे पता है आपने क्या किया था, अभी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। PTI रहनुमा जुबैर खान न्याजी का कहना था कि हमें गुलाम समझने वाले जान ले, कौम जाग चुकी है। ये सारी मेहनत हमने अपने लिए करनी है ताकि हम गुलामों जो हमें जिन्होंने हमें हमेशा गुलाम बना के रखा, हम उन्हें बता सके ये कौम जाग गई है, इस कौम को एहसास हो गया है और इस कौम को इंशाल्लाह अपना हक है खुद इरादियत इस्तेमाल करना आ गया है। यूथ विंग के मेम्बरान ने पार्टी का भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और बेगम कुलसुम नवाज की मगफिरत के लिए दुआ की गई।